Hello, my dear students of Athena Academy. Today, I am going to teach you a new chapter from your Hindi book. The chapter name is Guru or Chela. So, open your Hindi grammar book and see the lesson Guru or Chela. तो बच्चों, ये जो कविता है ना, ये कविता गुरु और चेले. गुरु का मतलब है शिक्षक और चेला का मतलब है शिष्य. उन दोनों के ऊपर ये कविता लिखी गई है. ये कविता जो है ना, ये एक अंधेर नगरी अनबुझ राजा बोल के एक कहानी है. तो इस कहानी को कविता के रूप में लिखी गई है. तो कविता का नाम क्या है? गुरु और चेला. चलो अब हम शुरू करते हैं. गुरु एक थे और था एक चेला, चले घूमने पास में था न थेला. तो बच्चों क्या हुआ? गुरु एक थे और था एक चेला, मतलब गुरु का मतलब शिक्षक और चेला का मतलब है उनका शिष्य. तो वे दोनों क्या कर गए थे? घूमने गए थे, लेकिन उनके पास था न थेला. थेला का मतलब है पैसा, ठीक है. तो गुरु और चेले एक दिन घूमने चले गए थे, पास में ही घूमने चले गए थे, लेकिन उन दोनों के पास पैसे नहीं थे. चले चलते चलते मिली एक नगरी, चमाचम थी सर के चमाचम थी डगरी. तो वे दोनों क्या हो गए थे? चलते चलते एक नगरी पर पहुंच गए थे. नगरी मतलब नगर. चमाचम थी सर के चमाचम थी डगरी, मतलब उस नगरी की खासियत क्या थी? चमाचम थी सर के. सर के का मतलब है रास्ते, ठीक है, रास्ता. और चमाचम थी डगरी, डगरी का मतलब है गली. तो चमाचम का मतलब क्या है? अच्छा था. तो उस नगरी के रास्ते चमाचम थी, मतलब अच्छी थी, पक्की थी, ठीक है. और चमाचम थी डगरी, मतलब गली साफ थी. मिली एक ग्वालिन धरे शीश गगरी, गुरु ने कहा तेज ग्वालिन न भगरी. तो फिर उनको उसी नगर में कौन मिली? एक ग्वालिन. ग्वालिन मतलब जो दूध बेचता है. तो उसकी पत्नी मिली. उसने अपनी शीश में क्या रखा था? गगरी. गगरी का मतलब है मटका. तो बच्चों ग्वालिन, गांव की औरतें क्या करती थी? जब किसी अनजान व्यक्ति आदमी को देखती थी ना, तब शर्माती थी. देखकर शर्माती थी, भागने की कोशिश करती थी, मतलब दूर जाने की कोशिश करती थी. तो ये जो ग्वालिन थी, गुरु और चेले को देखकर भागने की कोशिश कर रही थी. तब गुरुजी ने बोला था कि तेज ग्वालिन न भगरी. हे ग्वालिन, तू ऐसे मत भागो. बता कौन नगरी, बता कौन राजा, कि जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा. और गुरुजी ने कहा ग्वालिन से, बताओ तो या नगरी का नाम क्या है और इस नगरी का राजा कौन है, जिसके सुयस का यहाँ बजता बाजा. मतलब यहाँ पे कौन राजा है जिसके सुयज का यहाँ बजता बाजा. मतलब यहाँ पे राजा कौन है जिसके कीर्ति का जय जयकार होता है, मतलब बोलबाल होता है. कहाँ बढ़ के ग्वालिन ने महाराज पंडित, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित. तो आगे बढ़कर ग्वालिन ने कहा, ग्वालिन ने गुरुजी को महाराज पंडित कहकर संबोधित किया. पधारे भले हो यहाँ आज पंडित. तो गुरुजी की बात सुनकर ग्वालिन को भी ऐसा लगा कि ये कोई गुरुजी है, ये कोई पंडित है. तो इसलिए कहा महाराज पंडित कहकर गुरुजी को संबोधित किया और कहा, पधारे भले हो यहाँ आज पंडित, मतलब यहाँ आज भले ही पंडित आए हैं. यह अंधेर नगरी है अनबुझ राजा, तके सिर फाजी तके सिर ख्वाजा. तो यह
नगरी का नाम क्या है? अंधेर नगरी। यह एक अंधेर नगरी है और इस अंधेर नगरी के राजा एक अनबुज है, मतलब अनबुज का मतलब है जिसका कोई भी ज्ञान नहीं है। तके सिर भाजी, तके सिर ख्वाजा। तके का मतलब है पहले जमाने में होते थे ना चांदी के सिक्के, तके का मतलब है आधा। सेर का मतलब है किलो, मतलब आधा किलो भाजी। तके छेर ख्वाजा, ख्वाजा का मतलब है खाने की वस्तु। ठीक है, तो यहाँ पर इस नगरी पर क्या होते हैं, यहाँ पर इस नगरी पर सब कुछ तके सेर पर, मतलब आधा आना पर मिल जाती है। हमारे यहाँ क्या होती है, हमारे यहाँ तो हर अलग अलग वस्तु के दाम अलग अलग होते हैं, है ना, लेकिन वहाँ पर उस नगरी पर ऐसा नहीं था, वहाँ पर सब वस्तु के दाम एक ही थे। गुरु ने कहा जान देना नहीं है, मुसीबत मुझे मोल लेना नहीं है। तो ग्वालिन की बात सुनकर गुरु जी को ऐसा लगा कि ये नगरी जो है ना ये अच्छा नहीं है। तो गुरुजी ने कहा मुझे जान देना नहीं है और मुसीबत भी मुझे यहाँ पर रहकर मोल लेना नहीं है। न जाने कि अंधेर हो कौन क्षण में, यहाँ ठीक रहना समझता न मन में। और कहा कि यहाँ पर रहकर कौन सी समय में क्षण मतलब पल समय, कौन सी समय में अंधेरा हो जाए मतलब मुसीबत आ जाए, तो यहाँ पर रहना समझने की बात नहीं है। गुरु ने कहा किंतु छेला न माना, गुरु को विवश हो परा लौट जाना। तब गुरु जी ने छेले को कहा कि यहाँ पर रहना अच्छी बात नहीं है, पता नहीं कौन सी समय में मुसीबत आ पड़े, तो इसलिए हम लोग चलते हैं। लेकिन गुरु की बात सुनकर छेला नहीं माना था, तब गुरुजी विवश होकर लौट पड़े थे। गुरुजी गए, रह गया किंतु छेला, यही सोचता होऊंगा मोटा अकेला। तो गुरुजी गए थे किंतु वहाँ पर उस नगरी पर रह गया छेला, क्योंकि छेले को पता था कि यहाँ पर हर वस्तु एक ही दाम में मिलती है, तो इसलिए मोटा अकेला ही यहाँ पर रह गया था। चला हाथ को देखने आज चेला, तो देखा वहाँ पर अजब रेल पेला। तो हाथ मतलब बाजार, तो क्या हुआ, चेला बाजार देखने चला गया था और वहाँ पर जाकर देखा कि यहाँ पर अजब रेल पेला। रेल पेला का मतलब है भीड़ भाड़। तके सिर हल्दी, तके सिर जीरा, तके सिर ककड़ी, तके सिर खीरा, मतलब तके सिर हल्दी, तो यहाँ पर हल्दी जीरा ककड़ी खीरा यहाँ पर सब आधा आना पर मिलती है। तके सिर मिलती थी रबरी मलाई, बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई। तो यहाँ पर तके सिर में क्या मिलती थी, रबरी मलाई मतलब मिठाई भी यहाँ पर आधा आना पर मिलती थी। बहुत रोज उसने मलाई उड़ाई मतलब खाई, मलाई उड़ाई का मतलब है खाई। सुनो और आगे का फिर हाल ताजा, थी अंधेर नगरी था अनबुज राजा। तो इस कविता में आगे लिखी गई है कि छेले के साथ क्या हुआ, तो इसलिए हम लोगों को आगे पढ़ने को कहा। ठीक है, थी अंधेर नगरी था अनबुज राजा। बरसता था पानी चमकती थी बिजली, थी बरसात आई दमकती थी बिजली। गरजते थे बादल चमकती थी बिजली, थी बरसात गहरी थमकती थी बिजली। तो क्या हुआ, हम सब लोग जानते हैं जब बरसात होती है तो बिजली दमकती है, चमकती है, बरसात आती है, बादल गरजते हैं, है ना, थमकती थी बिजली, बिजलियाँ धमकती है, चमकती है। तो क्या हुआ, एक दिन उस नगरी पर बहुत जोर से बरसात होने लगी थी, बिजलियाँ चमकती थी, धमकती थी, दमकती थी, फिर बादल गरजते थे। ठीक है, गिरी राज्य की एक दीवार भारी, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। चपत चंतरी को दपत कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार किसने गिराया। तो क्या हुआ, जब बरसात के कारण क्या हुआ था, उस राज्य में एक दीवार, भारी दीवार गिर गया था, जहाँ राजा पहुँचे तुरंत ले सवारी। और जहाँ पर राजा
तुरंत चले गए थे, अपनी सवारी को लेकर तुरंत चले गए थे उस जगह पर जहाँ पर दीवार गिरी थी। जपत संतरी को दपत कर बुलाया, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया। और तुरंत संतरी मतलब सैनिक को दपत कर बुलाया, मतलब तुरंत राजा ने सैनिक को तुरंत बुलाया और पूछा, गिरी क्यों यह दीवार, किसने गिराया, यह दीवार क्यों गिरा और किसने गिराया था। कहा संतरी ने, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोती घनी थी। तब संतरी ने मतलब सैनिक ने कहा, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी न मेरा कर्तव्य, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, ये काम मैंने नहीं किया है। यह दीवार कमजोर पहले बनी थी, इसी से गिरी यह न मोती खनी थी, यह दीवार पहले से ही कमजोर बनी थी, मतलब जिसने इसको इस दीवार को बनाया था ये पहले से ही कमजोर बनाई थी, तो इसलिए यह दीवार टूट गई थी, मतलब गिर गई थी। खता कारीगर की, महाराज साहब, न इसमें खता मेरी या मेरा कर्तव्य। तब सैनिक ने कहा, ये खता ये गलती कारीगर की है, तो इसमें मेरी कोई गलती नहीं है। बुलाया गया कारीगर जत वहाँ पर, बिठाया गया कारीगर जत वहाँ पर, तो बुलाया गया कारीगर को, तुरंत वहाँ पर कारीगर को बुलाया गया और बिठाया गया कारीगर जत वहाँ पर, और कारीगर जत वहाँ पर पहुँच भी गया था। कहा राजा ने, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो। जो यहाँ पर इस कविता में तुकांत शब्द भी है, जैसे सजा कजा, ठीक है, तो ये क्या है, राइमिंग वर्ड्स है। तो राजा ने क्या कहा, कारीगर को सजा दो, खता इसकी है, आज इसको कजा दो, मतलब कारीगर की ही गलती है तो इसको सजा दो। कहा कारीगर ने, जरा की न देरी, महाराज, इसमें खता कुछ न मेरी, इसमें मेरी कोई खता नहीं है, मतलब इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, यह फिस्टी की गलती, यह उसकी शरारत, क्या गारा गिला उसी की यह गफलत। तो यह गलती किसकी है, कारीगर ने कहा, फिस्टी की है। फिस्टी मतलब एक आदमी जो क्या करते हैं, जब दीवार बनती है ना, तब दीवार पर, उस दीवार पर पानी देते हैं, ठीक है। तो कारीगर ने कहा, यह गलती फिस्टी की है, उसकी ही शरारत है जिसके कारण यह दीवार गिर गया था। कहा राजा ने, जल फिस्टी बुलाओ, पकड़ कर उसे जल फांसी चढ़ाओ। तो राजा ने तुरंत कहा, फिस्टी को बुलाओ जल्दी से और पकड़ कर उसे फांसी दे दो। चला आया फिस्टी, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मिली। तब चला आया था फिस्टी और कहा कि इसमें खता कुछ न मेरी, मतलब इसमें मेरी कोई खता नहीं है, कोई गलती नहीं है, यह गलती है जिसने मशक को बनाया, कि ज्यादा ही जिसमें था पानी समाया। तो फिस्टी ने कहा, यह गलती उसकी है जिसने मशक को बनाया। तो बच्चों, मशक का मतलब है एक बैग, ठीक है, जहाँ पर पानी देते हैं और हम लोग दीवार पर पानी डालते हैं। मशक वाला आया, हुई कुछ न देरी, कहा उसने, इसमें खता कुछ न मेरी। तो क्या हुआ, मशक वाला आया था और कहा कि इसमें कोई मेरी खता नहीं है, मेरी यहाँ पर कोई गलती नहीं है, यह मंत्री की गलती है, मंत्री की गफलत, उन्हीं की शरारत, उन्हीं की है हिकमत। तो मशक वाला ने क्या कहा, ये गलती तो मंत्री की है, मंत्री की ही गफलत, उन्हीं की शरारत और उन्हीं की ही हिकमत। तो ये सारे सब गलती क्या किसके थे, मंत्री के थे, ऐसे मशक वाला ने कहा था। बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, चुराया न चमड़ा मशक को बनाया, बड़ी है मशक खूब भरता है पानी, ये गलती न मेरी यह गलती बिरानी। तो बच्चों क्या हुआ, बड़े जानवर का था चमड़ा दिलाया, तो मंत्री ने मशक को बनाने के लिए बड़े जानवर
का चमड़ा दिलाया था तो और जिससे मशक को बनाया था। बरी है मशक, खूब भरता है पानी, तो बड़े जानवर के थे चमड़ा, तो इसलिए मशक भी बरी हुई थी। तो बरी है मशक, खूब भरता है पानी, जब कोई वस्तु बड़ा होता है तो वहाँ पर पानी ज़्यादा भरते हैं, है ना। तो बरी है मशक, तो मशक भी बरी हुई थी, इसलिए वहाँ पर पानी भी बहुत सारे भर गई थी। ये गलती ना मेरी, यह गलती बिरानी, तो ये गलती मेरी नहीं है, यह गलती बिरानी है। मंत्री की गलती तो मंत्री को लाओ, हुआ हुकुम मंत्री को फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण। राजा ने कहा कि मंत्री की गलती है तो मंत्री को लाओ, और राजा ने हुक्म दिया कि मंत्री को जल्दी से फांसी चढ़ाओ। चले मंत्री को लेके जल्लाद फौरन, मंत्री को लेके जल्लाद फौरन आ गए थे, चढ़ाने को फांसी उसी दम उसी क्षण, मतलब उसी क्षण में उसी पल में फांसी चढ़ाने लाए थे। मगर मंत्री था इतना दुबला दिखता, न गर्दन में फांसी का फंदा था आता। तो मंत्री इतना दुबला पतला था कि उसकी गर्दन में फांसी का फंदा नहीं आता था। कहा राजा ने जिसकी मोती हो गर्दन, पकड़कर उसे फांसी दो तुम इसी क्षण। और राजा ने कहा तो जिसकी मोती गर्दन हो उसको पकड़ कर लाओ और उसको जल्दी से ही फांसी दो। चले संतरी धुन ने मोती गर्दन, मिला छेला खाता हुआ हलवा दनादन। तो संतरी मतलब सैनिक क्या करने गए थे, धुनने गए थे, मोती गर्दन वाले आदमी को धुनने गए थे, और मिला किसको, छेला। और कैसे मिला, हलवा दनादन मतलब हलवा खाते हुए छेले को देखा था। कहा संतरी ने चले आप फौरन, महाराज ने भेजा न्योता इशीशन। तो सैनिक ने कहा कि आप फौरन चलो हमारे साथ, क्योंकि महाराज ने आपको न्योता भेजा है। बहुत मन में खुश हो चला आज चेला, कहा आज न्योता चकूंगा अकेला। तो मन में बहुत खुश हो गया था चेला, और मन में ही सोच रहा था कि आज न्योता मैं अकेला ही खाऊंगा, चकूंगा मतलब खाऊंगा। मगर आके पहुंचा तो देखा जमेला, वहां तो जुड़ा था अजब एक मेला। जब चेला आकर पहुंच गया था तब उसने देखा कि यहाँ पर अलग ही जमेला है, अजब ही मेला है। यह मोती है गर्दन, इसे तुम बढ़ाओ, कहा राजा ने इसको फांसी चढ़ाओ। कहा छेले ने कुछ खता तो बताओ, कहा राजा ने सुप न बक बक मचाओ। तब राजा ने कहा यह मोती, यह गर्दन तो मोती है तो इसे तुम फांसी चढ़ाओ। तब छेले ने कहा कुछ खता तो बताओ, मैंने क्या किया, मैंने क्या गलती की, बताओ। कहा राजा ने चुप न बक बक मचाओ। जब छेले ने राजा को पूछा था खता क्या मेरी है यहाँ पर, तो मुझे तो कुछ बताओ, तब राजा ने कहा चुप बक बक मत मचाओ, मतलब बक बक करने को मना किया था। मगर था ना बुद्धू था चालाक छेला, मचाया वही वड़ा ही वही पर चमेला। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। तो चेला जो था ना वह बुद्धू नहीं था, मतलब मूर्ख नहीं था, था चालाक चेला मतलब चतुर था। मचाया वराही वही पर चमेला, और वहाँ पर एक वराही चमेला वहाँ पर चेले ने शुरुआत किया था। कहा पहले गुरुजी के दर्शन कराओ, मुझे बाद में चाहे फांसी चढ़ाओ। और कहा पहले गुरुजी को बुला के लाओ और मुझे गुरुजी के दर्शन कराओ, और चाहे बाद में मुझे फांसी ही क्यों न हो। गुरुजी बुलाए गए जत वहाँ पर, कि रोता था छेला खड़ा था जहाँ पर। तो गुरुजी को बुलाए गए वहाँ पर तुरंत ही, तब रोता था छेला खड़ा था जहाँ पर। तो जहाँ पर छेला खड़ा था वहाँ पर ही रो रहा था। गुरुजी ने छेले को आकर बुलाया, तुरंत कान में मंत्र कुछ गुनगुनाया। तो तब गुरुजी ने छेले को आकर बुलाया था उनके सामने, और तुरंत कान में
कुछ मंत्र गुनगुनाया था, मतलब कुछ कहा था। जगड़ने लगे फिर गुरु और चेला, मचा उनमें थक्का बड़ा रेल पेला। तो क्या हुआ था, गुरुजी ने जब मंत्र गुनगुनाया था उसके बाद वे दोनों जगड़ने लगे थे। गुरु और चेला मतलब शिक्षक और शिष्य, वे दोनों एक दूसरे से जगड़ रहे थे और धक्काबाजी कर रहे थे। गुरु ने कहा फांसी पर मैं चढ़ूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं मरूंगा। गुरु ने कहा कि फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा मतलब उतरूंगा, कहा चेले ने फांसी पर मैं ही मरूंगा। और चेले ने भी क्या कहा था, फांसी पर मैं ही मरूंगा। तो गुरुजी भी फांसी पर चढ़ने को तैयार है और चेले भी फांसी पर चढ़ने को तैयार है। हताए न हत्ते अरे ऐसे दोनों, छुताए न छुते लरे ऐसे दोनों। तो उन दोनों को हटा रहे थे, एक दूसरे से झगड़ने के लिए मना कर रहे थे। हम कोशिश करते हैं ना झगड़ा बंद करने के लिए, तो वे दोनों क्या कर रहे थे, हताए न हत्ते थे ऐसे दोनों, छुताए न छुते थे लरे ऐसे दोनों, कि दोनों को चुरा हम नहीं पाए थे, ऐसे वे दोनों झगड़ रहे थे। बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, बड़े राजा फौरन कहा बात क्या है, गुरु ने बताया करामत क्या है। तो राजा ने कहा कि बात क्या है, ऐसे तुम लोग क्यों झगड़ रहे हो। तो गुरु ने बताया करामत क्या है, गुरु ने बताया ये करामत है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या करामत है। चढ़ेगा जो फांसी मुहूर्त है ऐसी, न ऐसी मुहूर्त बनी बढ़िया जैसी। तो गुरुजी ने कहा कि इस मुहूर्त पर, ये मुहूर्त इतना अच्छा है कि यहाँ पर जो फांसी पर चढ़ेगा वो राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, मतलब इसी मुहूर्त पर जो भी फांसी पर चढ़ेगा वह राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, मतलब चक्रवर्ती मतलब राजा से ऊपर, जिसका सारे संसार पर राज होगा, मतलब यह संसार का छत्र उस पर टनेगा, मतलब जो चक्रवर्ती बनेगा ना, जब इस मुहूर्त पर फांसी पर चढ़ेगा वे राजा नहीं चक्रवर्ती बनेगा, जो चक्रवर्ती मतलब शूरवीर बनेगा, ठीक है। तो और सारा संसार का छत्र उस पर ही टनेगा, मतलब जो चक्रवर्ती बनेगा वे सारे देश में राज करेगा, मतलब छत्रपति बन जाएगा। कहा राजा ने बात सच गर यही, गुरु का कथन झूठ होता नहीं है। कहा राजा ने फांसी पर मैं चढ़ूंगा, इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। तो क्या हुआ, राजा ने कहा कि गुरुजी की कथन तो झूठ होता ही नहीं, क्योंकि गुरु तो हमेशा सच ही बोलता है। तो राजा ने कहा कि फांसी पर मैं ही चढ़ूंगा और इसी दम फांसी पर मैं ही टंगूंगा। चढ़ा फांसी राजा बजा खूब बाजा, तो राजा फांसी पर चढ़ गया था और उनकी मृत्यु हो गई थी और चारों तरफ धूम मचाया था। प्रजा खुश हुई जब मरा मूर्ख राजा, बजा खूब घर घर बधाई का बाजा। तो क्या हुआ, जब मूर्ख राजा की मृत्यु हो गई थी तब प्रजा खुश हो गई, क्योंकि मूर्ख राजा की मृत्यु हो गई थी और घर घर में क्या हुआ था, बधाई दे रही थी। थी अंधे नगरी था अनबुझ राजा, थी अंधे नगरी क्योंकि इस राज्य की राजा अनबुझ था, इसलिए इस राज्य की नाम भी, इस राज्य का नाम भी क्या था, अंधे नगरी था अनबुझ राजा, मतलब अंधे नगरी का राजा क्या था, अनबुझ था मतलब मूर्ख था।